except this camera. Gabriel sir, you are coming with a very interesting project, Nashebaaz. Firstly, the concept of the project and being the director and actor in the project, how far you had been inspired by the situation faced by drugs addicts, and is it a real life incident you are portraying or something you want to tell about it? ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं है. एक्चुअली क्या था कि मैंने कुछ केसेस सुने थे दिल्ली में 2018 में. करीब 400 रिहैब सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर बंद किए थे. इनका रीज़न ये था कि वहाँ पे जो पेशेंट जाते थे जो नशे से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, जो वो पेशेंट जो पेशेंट को भेजा जाता था, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको भेजते थे, तो उन ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जहाँ पे उनको अंदर मोलेस्ट किया जाता था, उनको मेंटली टॉर्चर दिया जाता था, और उनके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो बता पाना भी मुश्किल होता है. तो कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं था, बस एक थॉट था जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वहाँ से मैंने इस कंसेप्ट को उठाया था और फिर इसको डेवलप किया हम लोगों ने. और ये जानना चाहूँगा, रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं बोल रहे हैं आप, मतलब आपने फेस नहीं किया है लेकिन आपने वो जानकारी हासिल की और जानकारी हासिल करने के बाद रिसर्च भी किया होगा, तभी आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हाँ, तो ये बताइए, गवर्नमेंट के रिहाब सेंटर्स पे आप एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होने का चांस नज़र आ रहा है कि नहीं? मुझे पर्सनली कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है, लेकिन जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, मुझे बस वो एक तरीके से प्रेजेंट करना है. जैसे कि आप लोग, बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें रिहैब सेंटर के अंदर लड़कियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, कैसी लड़कियाँ पॉलिटिशियंस के पास सप्लाई की जाती हैं, जैसा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं और बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है. तो गवर्नमेंट से मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है रिहैब सेंटर की, बस उसे दिखाने का है. ऐसा नहीं कि सारे रिहैब सेंटर बेकार होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट अथॉरिटीज रिहैब सेंटर खोलती है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके, तो कुछ कुछ नहीं, ज़्यादातर रिहैब सेंटर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं. आपका जो टॉपिक है गर्ल्स के बजाय बॉय पे केंद्रित है, उसमें आप जो आपका सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक जो छुपी हुई बात है उसको उजागर कर रही है, तो फिल्म आने के बाद समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? फिल्म सिर्फ नशे के ऊपर बेस्ड नहीं है. इसमें ना जो एक रिलेशनशिप गैप आता है एक फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपने दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ, और उस गैप के वजह से जो बंदा सफ़र कर रहा होता है डिप्रेशन को, जो डिप्रेशन को सफ़र कर रहा है, और डिप्रेशन के साथ साथ में जब वो एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट करता है, नशा करना, ड्रग्स लेना, तो मुझे बस वो चीज़ प्रेजेंट करनी है कि जो रिलेशनशिप गैप आ रहा है. और आज की डेट में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो है हमारे समाज में वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन में रहकर आदमी कैसे नशे में इन्वॉल्व हो रहा है. तो अगर वो लोग उसको अच्छे नज़रिए से देखते हैं या मैं अच्छे नज़रिए से बना पाता हूँ तो समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, और नहीं आएगा तो मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बना रहा हूँ. अपने पर्सनली जो मेरा पर्सनल थॉट है, जो मेरा पर्सनल एम्बिशन है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बना रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मिर्च मसाला ऐड करके लोगों को अच्छे गाने दिखा के, थोड़ा अच्छा सिनेमा दिखा के, अगर मैसेज अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिल्म तो बना ही रहा हूँ मैं. सर, लास्ट टाइम जो आपकी प्रोजेक्ट रिलीज हुई थी 2015 में, 6 साल हो गए आई मिस्टर मदर, वो भी एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट था, और आज लक ये था कि अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी ने उसकी भी तारीफ की थी, जैसे आमिर खान को भी आपने प्रोजेक्ट के लिए अपील किया था, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट भी कितना ज़्यादा आपके करियर के हिसाब से टर्निंग पॉइंट हो गया? वो फिल्म, वो मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी, वो वुमेन ओरिएंटेड पूरी फिल्म थी कि कैसे एक औरत को प्रेगनेंसी के टाइम पर जो उसका प्रोसेस होता है 9 महीने का, उसमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है. तो उस फिल्म में मुझे अमिताभ सर ने, आमिर सर ने और एजाज वगैरह इन सब लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट दिया था. और मैं आपका क्वेश्चन भूल गया, सॉरी. हाँ, तो ये कहना चाहूँगा वो भी टर्निंग पॉइंट कितना आपको लगा और कितना डिफरेंट था वो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से? क्योंकि टर्निंग पॉइंट में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि वो फिल्म मैंने एज ए एक्टर मेकर बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने असिस्टेंट काम करना शुरू किया था, तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कोई टर्निंग पॉइंट था. हाँ, नीरज, आपके पास जब ये प्रोजेक्ट लेके गैब्रियल आया, हु मेट यू फर्स्ट? नीरज आप पहले मिले या गैब्रियल? आप बताना चाहेंगे आप कैसे नीरज तक पहुंचे? मुझे डिटेल में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक जो फिल्म मेकर होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिनेमा में फाइनेंस और प्रोड्यूसर. अगर प्रोड्यूसर नहीं तो फिल्म मेकर का थॉट आप पहुँचा ही नहीं सकते. आप मुंह से बता के आप फिल्म नहीं बता सकते, सुना सकते किसी को, और ना ही लोग सुनेंगे फिल्म को. तो एक खोज होती है, एक
मेकर की कि वो प्रोड्यूसर ढूंढ के लाए, और वो खोज मेरी जो 5-6 साल की थी वो नीरज जी के पास पहुंच के खत्म हुई। नीरज जी क्या आपको लगा यू सेड यस हाँ यार चल आई बैक यू व्हेन गैब्रियल कुंट हैड अ कन्वर्सेशन विद गीतांजलि रिगार्डिंग द रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट इन दिस मूवी। सो गीतांजलि को मैं जितना समझता हूँ वो अपनी लाइफ में नेचुरली भी अपने सब रिलेशनशिप में आउट ऑफ द वे जाके कंट्रीब्यूट करती है, एंड बीइंग अ फादर मुझे जानना जरूरी था कि इज इट अ सीरियस सिनेमा और नॉट। सो व्हेन आई केम टू नो अबाउट द स्ट्रगल ऑफ गैब्रियल एंड जो मिस्टर मदर के कंसेप्ट में जो वैल्यू एड किया सोसाइटी के लिए, और इस मूवी के थ्रू जो मैसेज देना चाह रहे हैं, डिटेल में बताया नहीं गैब्रियल ने, बट मुझे मालूम है कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू सोसाइटी सोचने के लिए मजबूर होगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कैसे हम लोग रिश्तों में दूर चले जाते हैं, कैसे डिप्रेशन में जाने के बाद में हम लोग नशे को बहुत अपनी लाइफ में इस तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें कुछ पता नहीं रहता कि हम लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, बिना पायलट का जो है एरोप्लेन हो जाता है, तो उसका वापस से कंट्रोल कैसे लिया जाए, उस मूवी में वो सब ओपनिंग्स मिलने वाली है सोसाइटी को। सो उसके बाद मेरा इन्विटेशन ये था कि आप मुंबई के साथ साथ उत्तराखंड में भी शूट करें। सो पूरी टीम उधर आई, उधर हम लोगों ने एक फिल्म स्लेज का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। सो ये मूवी ने एक्चुअली एक स्टार्टिंग की है एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस की कि हम उत्तराखंड में विद ऑल द सेटअप्स ऑल द सपोर्ट जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन के लिए चाहिए जो भी वहाँ स्टूडियो चाहिए उस सब पूरे सेटअप के साथ में, काफ़ी बड़ा है हमारा एक लैंड का पैच है। सो पूरी कम्युनिटी को हम लोग वहाँ इन्वाइट कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि ये मूवी कम से कम एक्सपेंसेस में और बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज के साथ में टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैमरा के हिसाब से एडिटिंग के हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर आए। सो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज देगी मूवी। सीमा आपसे जानना चाहूँगा सीवा इज नोन अबाउट राइटिंग लिरिक्स, इनको आप कैसे ऑन बोर्ड लाए, हाउ शी कन्विंस की चलो मैं लिखती हूँ। जो हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय बोस, तो इस फिल्म का एक सॉन्ग है जो मांगी दुआई करके एक सॉन्ग है जो उन्होंने बताया कि सीमा से लिखवाते हैं, तो उसके थ्रू सॉन्ग के थ्रू मैं सीमा से मिला। और पहले इस फिल्म को मैं लिख रहा था लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर्स को ढूंढना था, मुझे लोकेशन देखनी थी, मुझे एक्टर्स को अप्रोच करना था। तो जब से मैंने सीमा के बारे में जाना तो मैंने सोचा कि अब ये इस स्क्रिप्ट को लेके ये खुद चलें और खुद ही लिखें, तो यही एक प्रोसेस था जो संजय बोस की थ्रू सीमा तक जिसने मुझे पहुँचाया। बाकी होता ये था कि जब हम लोग डिस्कस कर जैसे ये फिल्म के गानों के लिए जब हम लोग डिस्कस करते थे जैसे आप डिस्कस करते थे सीन्स के बारे में, हम लोग जब डिस्कस करते थे कि जो एक गाना है मांगी दुआ हमारा, तो जब ये सीन सुनाते थे स्टोरी इनका है तो बहुत अच्छा लगता था, और कुछ कुछ मेरे इनपुट मैं भी बोलती थी कि यार ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो इंटरेस्ट आ चुका था मुझे स्टोरी में। और फिर अच्छी बात ये कि इन्होंने ऑफर किया और मैं लिख रही हूँ। गैब्रियल बीइंग पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लास्ट ईयर आपने देखा कि कितना बड़ा एक न्यूज़ सिर्फ ड्रग्स को लेकर ही चल रहा था, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया, क्वेश्चन किया गया, इवन सुशांत सिंह केस इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड टू ड्रग्स थिंग, तो हाउ फार डू यू थिंक दैट इशू इज सो डीप, द प्रॉब्लम इज सो डीप, अगर फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें खासकर। तो देखिए जो ड्रग्स को लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री में या कहीं पे भी कुछ जो चल रहा है उसका इस फिल्म से लेना देना कुछ है नहीं, और सुशांत का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ तो मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ उस बारे में। ये एक अलग स्टोरी है जो मैंने 5-6 साल पहले सोची थी, और जो इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो एक अलग स्टोरी है जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडर्स को मिलाया जा रहा है, या जो मोनोपोली है, जो नेपोटिज्म, जो फालतू की जो बातें हो रही हैं वो अलग एक चीज़ है, ये अपना सब्जेक्ट अलग है, तो मैं उन सब चीज़ों के साथ इसको रिलेट नहीं करना चाहता। क्या आप मानते हैं नेपोटिज्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है इंडिया जो हमारी कंट्री से रिप्रेजेंट करता है? मेरा बच्चा नंदी खान, शाहरुख। तो जवाब आप ही के पास है, और हम लोग भी काम कर रहे हैं तो जवाब आपके पास है। नीरज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना कर्म प्रधान है, अगर डेडिकेशन है, किसी में कमिटमेंट है तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर कभी भी कोई स्ट्रगलर रहा है और वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसको थोड़ा सा एटीट्यूड और एरोगेंस में फ़र्क रहना
महसूस ज़रूरी है, प्लस वो उस तरफ जाने के बाद में अपने स्ट्रगल को ना भूले और जितने भी स्ट्रगलर्स हैं उनको रास्ता दे, तो उस तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है। और जिसने ठान लिया उसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो अपने एक्सक्यूजेज हैं या पॉलिटिकल एजेंडाज हैं। इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, एक से एक आर्टिस्ट क्रिएट किया है, लोगों को अपने जो भी इमोशंस हैं या जो थॉट्स हैं वो मासेस में लोगों की लाइफ पे मेकिंग ए डिफरेंस का एक काम किया है। बॉलीवुड का सिनेमा वो सिनेमा अब नहीं रह गया, इतनी क्वालिटी मूवीज आ रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे और थिएटर में, इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए जा रहे हैं। एक फालतू मूवी आई थी मैंने देखा, उसमें गाना था चार बज गए अभी पार्टी बाकी है, लेकिन उस मूवी से जब बाहर निकलता है यूथ तो क्या मैसेज लेके निकलता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं, तो मेरा मानना है कि मेरा तो हैट्स ऑफ है बॉलीवुड को कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव भी किया। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जिसको जो लेना होता है वो ले ही लेता है। राजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जब ये कहानी सुनी थी पूरी युवा वर्ग पे, तो जो नशे में मतलब तुम लिखता है तो उसके लिए समाज को भी मैसेज जाएगा एक अच्छा इसके थ्रू कि इसकी क्या नुकसान है। जो आजकल के बच्चे अभी स्कूल में जा रहे होते 10वीं 11वीं क्लास में होते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी एक मैसेज जाएगा, उनके पेरेंट्स को भी जाएगा कि क्या देखना चाहिए, क्या इस पर सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी फिल्म बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। जब कहानी सुनी तो मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मतलब खोया हुआ हूँ अभी, जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है। म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, म्यूजिक के बारे में बताइए कि, और इस तरह की कहानी बड़ी सेंसिटिव कहानी है जो संवेदना साथ में चलती है, तो म्यूजिक के बारे में बताइए, क्या म्यूजिक कैसा है फिल्म का, किसने म्यूजिक दिया, किसने गाने गाए? इसके म्यूजिक पे करीब मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ संजय बोस के साथ, और उन्होंने कमाल का म्यूजिक क्रिएट किया है इसमें, इसके लिए, और जिसकी हमारे गानों की डबिंग भी हो चुकी है इसमें। के शानदा और सुनिधि चौहान, इन सब लोगों से हमने अपने गाने डब करवाए हैं, और एक कमाल का म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा। और उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कि आइए आप यहाँ शूट करिए, बड़ा नेचुरल सा माहौल है, यहाँ सेट लगाने की जरूरत नहीं, जैसे आपने कहा था बेटर में मेरी आपसे बात की। क्या मानते हैं टूरिज्म उत्तराखंड का, अब टूरिज्म प्रमोट हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि मॉरिशस और बाकी जो आउट ऑफ इंडिया की कंट्रीज है वहाँ जाने से बेहतर है कि हम अपने देश में अपने घर में शूट करें? कमिटमेंट मेरा वही है, मेरा अपना जो स्वार्थ मैं यहाँ लेकर बैठा हूँ फिल्म से ले, मेरा कंप्लीट इंटरेस्ट नशेबाज के साथ कमिटमेंट के साथ साथ फिल्म सिलेज में है, और वो फिल्म सिलेज को हमने जो उत्तराखंड की लोकेशन जो चुनी है, मैं खुद बचपन से वहाँ रह रहा हूँ। उत्तराखंड, हम लोग यहाँ से बॉलीवुड से जाके स्विट्जरलैंड में बहुत शूटिंग्स किए हैं, बहुत दूसरे कंट्रीज में भी जाके किए, मैं वहाँ से कुछ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि बॉलीवुड का सेकेंड होम उत्तराखंड बने, और उत्तराखंड में इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, चाहे वो एडवेंचर्स शूट करने हो, चाहे वो नेचर को दिखाना हो, चाहे वो विलेज का दिखाना हो, चाहे वो अर्बन विलेज दिखाना हो, कम्युनिटी का सपोर्ट पूरा है, सरकार का सपोर्ट पूरा, और हम लोगों के पास जितना सेटअप है, मेरा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को इनविटेशन कि हमारा इतना बड़ा सेटअप वहाँ पर है एयरपोर्ट के पास में और शहर के नज़दीक, कि हम हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर देंगे। और कंटेक्चुअल क्रिएशन के लिए मेरा मानना है कि जब लिरिक्स लिखे जाते हैं या कोई भी मूवी को क्रिएट किया जाता है या जो अमलगमेशन होता है जिससे एक बेस्ट चीज़ निकल कर आए, उसके लिए जो एनवायरनमेंट और जो ओरा है वो उत्तराखंड में आपको बहुत सपोर्टिव मिलता है, और आप बेस्ट टू बेस्ट थॉट्स वहाँ क्रिएट करके एक मेकिंग ए डिफरेंस के कमिटमेंट के साथ में बहुत कम रिसोर्सेज पे, और बार्टर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें वहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, हम लोग पूरा एंड टू एंड सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली प्रोडक्शन, नॉट ओनली शूटिंग सेटअप, एंड टू एंड सोल्यूशन, जो सब्सिडी भी आपको मिले। सो मेरा इन्विटेशन इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को है कि आइए देहरादून में फिल्म सिलेज का हिस्सा बनिए, और अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की वजह से या रिसोर्सेज की वजह से अटक रहे हैं, स्ट्रगलर्स के लिए पूरी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करे, जो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, और हम भी उनको सपोर्ट करें, और इंडियन सिटीजन्स को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत अच्छे से अच्छा मैसेज देने वाली मूवीज क्रिएट करें, मेकिंग ए डिफरेंस। उत्तराखंड की सरकार सब्सिडी देती है।